और अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, जहां के अयोध्या में झमाझम बारिश के बीच बीकापुर बार एसोसिएशन का वार्षिक चुनाव कड़ी सुरक्षा के बीच सकुशल संपन्न हुए। इस बार एसोसिएशन वार्षिक चुनाव में राम सजीवन पांडे को बीकापुर बार एसोसिएशन का अध्यक्ष पद के लिए चुना गया। अध्यक्ष पद के लिए निर्वाचित राम सजीवन पांडे ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी आबाद अहमद को 4 मतों से पराजित किया। इस वार्षिक चुनाव के लिए अध्यक्ष पद के लिए आबाद अहमद और राम सजीवन के बीच कांटे की टक्कर थी। नव निर्वाचित अध्यक्ष राम सजीवन पांडे को कुल 60 मत मिले, तो वहीं दूसरी तरफ रनर प्रत्याशी रहे आबाद अहमद को 56 मत मिले। अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ रहे आबाद अहमद मात्र 4 वोटों से पराजित हो गए। वहीं बीकापुर के वार्षिक चुनाव में कुल 116 मत पड़े। मंत्री पद के लिए श्रीकांत तिवारी को नवनिर्वाचित घोषित किया गया, उन्हें कुल 60 मत मिले। नवनिर्वाचित मंत्री पद के विजेता श्रीकांत तिवारी ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी अमरनाथ दुबे को मात्र 4 मतों से पराजित किया। मंत्री पद के लिए 4 मत इनवैलिड भी घोषित किए गए। संपन्न हुए बीकापुर बार एसोसिएशन के वार्षिक चुनाव में वरिष्ठ उपाध्यक्ष का चुनाव लड़ रहे घनश्याम दुबे को 72 मत मिले, जबकि उपाध्यक्ष पद पर उन्हें नव निर्वाचित तो घोषित किया गया। उपाध्यक्ष का चुनाव लड़ रहे शिव कुमार मिश्रा को मात्र 43 वोट मिले, जिनमें से 1 मत इनवैलिड घोषित किया गया। पत्रकारों से बातचीत करते हुए नवनिर्वाचित बीकापुर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राम सजीवन पांडे ने कहा कि अधिवक्ता क्षेत्र में प्रैक्टिस कर रहे जूनियर अधिवक्ताओं को विशेष प्राथमिकता दी जाएगी। उन्होंने कहा कि जूनियर अधिवक्ताओं की मेहनत को देखते हुए उन्हें किसी प्रकार के शुल्क न्यायिक कार्यों में पैरवी के लिए नहीं लिया जाएगा और उनके मान सम्मान को देखते हुए उनके हक की लड़ाइयां लड़ी जाएंगी। वहीं संपन्न हुए सकुशल चुनाव को देखते हुए नवनिर्वाचित अध्यक्ष राम सजीवन पांडे ने एल्डर कमेटी के चेयरमैन एपी दुबे और निर्वाचित अधिकारी मैनुद्दीन अहमद को धन्यवाद किया। बीकापुर बार एसोसिएशन वार्षिक चुनाव सकुशल संपन्न कराने के लिए स्थानीय कोतवाली बीकापुर पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद नजर आई। अध्यक्ष पद के रनर प्रत्याशी रहे आबाद अहमद ने पत्रकारों को बताया कि अधिवक्ताओं को जो हमें जनादेश मिला हम उसे स्वीकार करते हैं और उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। विराट 24 न्यूज के लिए अयोध्या से मनोज यादव की रिपोर्ट। सबसे पहले क्योंकि भ्रष्टाचार तो भारत की जड़ में है, हम लोग प्रयास करके भी इसे नहीं निकाल पाएंगे, लेकिन यह है कि तहसील में व्याप्त भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाएंगे। अब जूनियर अधिवक्ताओं के लिए जो यहाँ 5 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनके नीचे के अधिवक्ता हैं, उनके लिए तहसील में फ्री काम हो, उनका उनसे किसी भी प्रकार का पैसा ना लिया जाए। विषय में मैंने 3 सदस्यीय समिति के गठन के लिए अपने भाषण में कह दिया था, 3 सदस्यीय कमेटी का गठन करूंगा, प्रतिमाह वो डिस्ट्रिक्ट जज से हाई कोर्ट के जज से वो पत्राचार करेंगे या उनसे जाके मुलाकात करेंगे और हर महीने रिपोर्ट आया करेगी उसको। जो कुछ मुद्दे बंद पड़ेगा हम निकलते हित में कार्य करेंगे, यहाँ की कमियों को दूर करेंगे और अपने भी कमियाँ होंगी उनको भी दूर करके और अगले भ्रष्टाचार से मिटाएंगे, न्याय दिलाएंगे। इस पर थोड़ा सा ब्रीफ रोड मैप मेरा है कि तहसील में भ्रष्टाचार को अंकुश लगाया जाएगा, यहाँ के कर्मचारी जो अनियंत्रित हो गए हैं उनके ऊपर भी लगाम लगाई जाएगी और संघ के विकास के लिए सदस्यों की जो है इच्छा के अनुरूप जो है कार्य किया जाएगा, जिससे सबको जो है उसका लाभ मिले। और दीवानी न्यायालय की बात है, दीवानी न्यायालय के लिए हम लोग पहले से ही जब कोषाध्यक्ष थे तभी प्रयासरत थे, अभी आने पे जो है जल्दी से जल्दी प्रयास किया जाएगा उसका जो है महीने में कोई ना कोई जैसे हमारे अध्यक्ष निर्देश करेंगे उस हिसाब से कार्यवाही की जाएगी।